यूट्यूब के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बहुत बड़ी यह बात छिपी रहती है कि जैसे विवाह होने के उपरांत कन्या वर से 7 वचनों की मांग रखती है, क्या वर की भी कोई वचन होते हैं या केवल मात्र वर कन्या से कुछ वचनों की प्रतिज्ञा करवाता है और उस प्रतिज्ञा को हम लोग भी श्रवण करते हैं। आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुखकरी नित्यं वचः कारिणी। पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय सदा सत्य एवं प्रिय भाषण करना, क्रोध और आलस्य से रहित होकर मेरे इन वचनों को श्रवण करना। मेरे माता पिता तथा मेरी बहन को प्रेम पूर्वक सत्कार करना। यदि तुम इन सब गुणों को मानोगी तो मैं तुम्हारा पालन अवश्य करूंगा। और साथ ही साथ यह भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उद्याने मध्यपस्थाने पारगे हे ब्रह्मनम तथा परपुंसारति गीतम हाशम वर्ज्यम त्वया सदा। बगीचे में शराबियों के स्थान में कभी नहीं जाना, बिना कारण से कभी किसी दूसरे के घर में नहीं जाना और किसी पर पुरुष के साथ कोई क्रीड़ा नहीं करना। क्रीड़ा का अर्थ है उसके साथ कोई हंसी मजाक, बेकार का गाना, बेकार का नृत्य करना, यह एक पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता है। मदीय चितानुगतश्च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रत धर्म परायण तुम कुर्याह सदा सर्वमिदं प्रयत्नं। घर के भीतर सुख दुख को तुम मेरे साथ भोगना, जीवन में सुख आए तो भी मेरे साथ रहना, जीवन भी दुख आए तो भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। जैसे माता सीता ने भगवान राम का साथ दिया, ऐसे ही तुम सदैव मेरा साथ निभाते रहना तो मैं तुम्हारा पालन अवश्य करूँगा। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमणानां प्रवर्तते मात त्वं मम विश्वस्ता तव वामांगगामिनी। पति कहता है अपनी पत्नी से कि यदि प्रिय तुम मेरे मनोअनुसार चलोगी और जो कर्तव्यता का पालन है उसे पूर्णता के साथ निभाओगी तो मैं भी तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता, इसलिए तुम मेरे विश्वास पात्र बनो और आओ मेरे वामांग पर आकर बैठो। इस तरह से पति की यह कुछ प्रतिज्ञाएं पत्नी के लिए होती हैं जिसे पत्नी स्वीकृत करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।